नमस्कार दोस्तों, मैं बीएस सुरवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी कक्षा 9 में। दोस्तों, बचपन में आपने दादी नानी से कई सारी कहानियां सुनी होगी। कहानी सुनने से आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही था, साथ ही आप लोगों को कई सारे अच्छी सीख भी मिलती थी, जिन सीख का इस्तेमाल कर आप अपने व्यक्तित्व को एक अच्छा बनाने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ दादी माँ की कहानियों के साथ साथ आप लोगों ने कई बार पहेलियों को भी बुझा होगा। पहेलियां बुझाने में बड़ा मजा भी आता है, उनसे व्यक्ति की सूझबूझ जो होती है वो सूझबूझ सामने आती है या हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता भी हमारे सामने पहेलियों की तरह ही आई है। हमारी जो कविता है वो कविता है ए सखी, और ए सखी इस कविता को लिखा है अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो जी एक पारसी लेखक है। उनका पूरा जो नाम है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो है। उनका जन्म 1253 में पटियाली इटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहा जाता है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषाओं में अपनी गीतों को लिखा था, या अपनी पहेलियों को या अपना साहित्य उन्होंने लिखा हुआ था। अमीर खुसरो जी खास कर अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई सारी जो कथा संग्रह या जो बातें जो साहित्य वो प्रसिद्ध था, उसमें तूफातुस सिगर वस्तुल हयात ऐसे कई सारे कथा संग्रह है। यहाँ पर जो मुकरिया है, पहेलियां मुकरिया एक जैसे होती है, तो इन मुकरियों को मुकरियों में एक एक यह जो है एक लोक प्रचलित पहेली का एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्यों की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपने विशेष शैली में पहेली एवं उनके उत्तर दिए हुए है। तो अमीर खुसरो जी किस तरीके की पहेलियां बुझाना चाहते या हमसे पूछा है, उन सारी बातों के बारे में जानकारी हम लेते हैं। तो जो पहली पहेली वो हम देखते हैं। रात समय वो मेरे आवे, भोर बहे वो घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। तो पहली पहेली कुछ इस तरीके से, जब रात का समय होता है, रात का समय होने पर वो आता है, भोर बहे वह घर उठ जावे। भोर का मतलब होता है जब दिन, लेकिन जब दिन होता है तो दिन होते ही वो अपने घर पर लौट जाता है। यह अचरज सबसे न्यारा, यह जो आश्चर्य है, यह आश्चर्य सबसे अलग है, सबसे न्यारा है। जो रात को आता है, रात को आने के बाद जैसे ही सुबह होते ही वो अपने घर को लौट जाता है। यह बात हम सबको आश्चर्य में डालने वाली होती है। जो सखी है वो सखी कहती कि हाँ, शायद तुम्हारे साजन होंगे। तो जो दूसरी सखी वो कहती कि अरे नहीं, वो है तारा। तारा रात के समय आते हैं, लेकिन दिन होते ही वे गायब हो जाते हैं। दूसरी पहेली कुछ इस तरीके से है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और ना कोई, मीठे लागे वाके बोल। अब शादी का माहौल, शादी का जो वातावरण है उसके बारे में बोला जा रहा है। वो आवे तब शादी हो, यानी उस घर को शादी का माहौल तब प्राप्त होता है जब यह चीज आती है या यह आता है। वह उस दिन दूजा और न कर, उस दिन शादी के दिन दूसरा कोई भी इतना फोकस में नहीं रहता है, एक सेंटर अट्रैक्शन के रूप में होता है। मीठे लागे वाके बोल, वाके मतलब उसके जो बोल है वो बोल बड़े मीठे लगते हैं, बड़े ही कान को मधुर आवाज देने वाले होते हैं। जो सखी होती है, सखी कहती है साजन, दूसरी सखी कहती कि नहीं भाई, वो होते ढोल। जब शादी वाला घर होता है तो हमें पता लगता है, जब उस घर में लोगों की हंसने की आवाज आती है, ढोलक की आवाज आती है, बैंड उनकी सुर जो होते हैं, उन सुरों की वजह से या उनकी धुनों की वजह से एक शादी के घर को वो माहौल प्राप्त होता है। जब कोई ढोल या बैंड आता है तो सारे लोग उन लोगों की इर्द गिर्द खड़े होकर उनकी आवाज को सुनते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से शादी का एक अट्रैक्शन होता है। शादी में कुछ होना हो लेकिन एक अच्छा बैंड, अच्छे बाजे की आवश्यकता जरूर होती है। तो शादी के घर को सही मायने में जो शादी वाला माहौल होता है वो ढोल की वजह से ही प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर अमीर खुसरो जी जो है वो कहना चाहते है। नेक्स्ट, जब मांगू तब जल भरी लावे,
मेरे मन की तपन बुझाओगे। मन का भारी तन का छोटा। अब यहाँ पर इंसान की प्यास बुझाने वाली चीज के बारे में बोला जा रहा है। जब मांगू तब जल भरी लावे, जल का मतलब पानी। जब मैं चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ तो वो जल उसमें भरकर लाया जाता है, जल मेरे तक या हमारे तक पहुँचाया जाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, तपन मतलब यहाँ पर प्यास लगे, तपन का मतलब गर्मी होता है, लेकिन यहाँ पर पानी है इसलिए हम प्यास देखेंगे। तो वो कहता है कि मेरे मन की प्यास बुझाए, जो जिस चीज में वो पानी आता है वो पानी मेरे ही प्यास बुझाने का काम करता है। अब पानी हर सजीव के लिए कितना आवश्यक होता है इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब भली भांति जानते हो कि पानी हम सभी इंसानों के लिए कितना आवश्यक होता है। आगे भी कहते कि मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा। वो मन का बहुत भारी, क्योंकि वो लोगों के काम आता है, लोगों की प्यास बुझाता है। उसका आकार छोटा भले ही है लेकिन वो मन से बहुत बड़ा है। सखी कहती है साजन, सखी कहती है कि नहीं, वो है लोटा। पानी लोटे के अंदर भरकर हम लाते हैं, उस पानी को पीकर हमारे शरीर की तपन बुझ जाती है। वो छोटा होते हुए हमारे मन को शांत और तृप्त करने का काम करता है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई में हक्की बक्की। बेर बेर मतलब बार बार, बार बार वो मुझे नींद से जगाने का प्रयास करता है, नींद से जगा देता है। अगर मैं ना जागू तो कभी कभी मुझे काट भी लेता है, कभी कभी वो मुझे काट भी लेता है। अब उसके उस व्यवहार की वजह से मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ, ना तो मैं सो पाता हूँ ना तो मैं जाग पाता हूँ। तो जो सखी, वो सखी कहती है कि साजन, वो दूसरी सहेली कहती है नहीं, मक्खी। कई बार मक्खी हम सोते और हमारे चेहरे के आसपास भिनभिनाती है, तो उसकी आवाज की वजह से या उसका हमारे शरीर के ऊपर बैठने की वजह से, उसकी चुवन की वजह से हम सो नहीं पाते हैं, हम नींद से जाग जाते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता क्यों। अब यहाँ पर जो एक पक्षी है, पक्षी के बारे में बोला जा रहा है, वो अति सुरंग है रंग रंगीलो। सुरंग मतलब उसका जो रंग है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही चटकीला है। वो एक रंग का नहीं, उसके कई सारे रंग है। वो है गुणवंत बहुत चटकीलो, उसके अंदर कई सारे अच्छे गुण भी है, और उन्हीं अच्छे गुणों की वजह से वो जाना या पहचाना भी जाता है। राम भजन बिन कभी न सोता, राम के भजन के बिना वो कभी नहीं सोता है। सखी कहती कि क्या साजन, तो दूसरी सखी कहती है नहीं, तोता। तोता आप सभी ने देखा होगा, तोता हमारे घर में होता है। तोते को हम जिस तरीके से सिखाते हैं वो सारी बातें सीख लेता है, घर के सदस्यों का नाम लेना या कोई पाठ या कोई श्लोक या कोई कोई मुहावरा या कोई भी बातें हो, वो अगर हम उसे बार बार बोलने के लिए कहे तो इंसानों की जैसी आवाज में वो सारी बातें वो बोलता रहता है। अर्ध निशा वो आवे आए भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद। अर्ध निशा वह आवे भोन, अर्ध निशा का मतलब होता है आधी रात, भोन का मतलब यहाँ पर हम लेंगे भवन या घर। तो जब आधी रात होती है तो आधी रात के बाद वह आता है। सुंदरता बरने कवि कौन, और उसकी सुंदरता का बखान कई सारे कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए किया है, यानी वो कवियों के लिए एक प्रेरणा स्थान है जिसे देखकर वे अपनी कविताओं की रचना करते हैं, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। निरखत ही मन भयो आनंद, निरखत मतलब देखना, उसे देखते ही हमारा मन उसके प्रेम में पड़ जाता है, उससे प्यार करने लगता है। सखी कहती है कि क्या वो साजन है, तो दूसरी सखी कहती है कि नहीं, चंद। चंद का मतलब होता है चांद। तो चांद जो पूर्णिमा या अमावस के हिसाब से जो चांद चांद जो होता है उनका जो आने जाने का समय होता है वो बदलता चला जाता है। अर्ध निशा मतलब आधी रात को जब वो आता है, तो आधी रात के वक्त चांद हुए, चांद पूरी तरीके से हमें आसमान में देखने को मिलता है। अब चांद के साथ हमारा रिश्ता भी, हम उसे मामा जो बोलते हैं, और भारत के कई सारे कवियों ने, कई सारे हिंदी फिल्मों के गीतकारों ने चांद की सुंदरता अपने गीतों के जरिए बयान की है और हमें दर्शाई है।
चांद की सुंदरता इतनी होती है कि उसे देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसकी ठंडाहट और उसकी सुंदरता दोनों ही मतलब उसके लिए हमारे पास लफ्ज नहीं होते, इतने वो सुंदर होते है। शोभा सदा बड़ावन हारा, आकिन से चिन्ह हो तो ननारा, आठ पहर मोरो मनोरंजन। तो शोभा सदा बढ़ाता हारा, तो यह जो है यह हमारी शोभा बढ़ाता यानी हमारी सुंदरता को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, हमारी सुंदरता को दिखाने के लिए या निखारने के लिए काम में आता है। आकिन से चिन्ह हो तो ननारा, आंखों से वो उसे निकाला नहीं जा सकता है, उसे अलग ठीक मतलब उसे अलग नहीं किया जा सकता है। आठ पहर मोरो मनोरंजन, तो आठों पहर एक तरीके से वो हमारा मनोरंजन कहता है। सखी कहते हैं कि कुल साजन, तो दूसरी सखी कहते नहीं अंजन। अंजन का मतलब हम कहेंगे एक तरीके से काजल या सुरमा। जो सुरमा होता है, सुरमा लगाने से या काजल लगाने से आंखों की खूबसूरती बढ़ती है, आंखों की सुंदर आंखें और ज्यादा सुंदर लगने लगती है, हम उसे आंखों से निकाल नहीं सकते है। हम काजल को आंखों से निकाल नहीं सकते, उसे निकालेंगे तो हमारी पूरी की पूरी आंखें या हमारा चेहरा काला हो जाता है, लेकिन आंखों में काजल लगाने से आंखों की सुंदरता या चेहरे की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे, अरे चिनक है ही की पीर। तो आगे जो कवि कवि कहते हैं, कवि जिसके बारे में बोले कि जीवन सब जग जासो कहे, इसे ही सारे लोग अपना जीवन मानते हैं, इसके बिना हमारे जीवन का मतलब इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा उनका मानना है। इसके बिना किसी को धीरज नहीं होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर एक छिनक ही हीर न पीर, इसके बिना मानो हम जी नहीं पाते। सखी कहती है कि साजन, दूसरी सखी कहते नीर। नीर का मतलब होता है पानी। अब पानी का महत्व सजीवों के लिए कितना है ये आप भली भांति जानते हो, उसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बिन आए सब ही सुख भले, आए ते अंग अंग सब फुले, सिरा भई लगावत छाती। आगे वो कहते हैं कि जो बिन आए सब ही सुख भले, आए ते अंग अंग सब फूल। आगे अमीर खुसरो जी कहते हैं कि बिन आए सब ही सुख भले, अगर यह नहीं आता है तब भी लोग अपने आप को सुखी ही मानते हैं, अगर वो आ जाए तो कई सारे लोग उसे अपने अंग से लगा लेते हैं, अपने छाती से लगा लेते हैं। अब आगे सखी कहते कि यह कोई साजन है, तो दूसरी सखी कहती कि नहीं पाती। पाती का मतलब होता है पत्र। पत्र एक दूसरे के साथ संवाद या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का एक जरिया हुआ करता था। लोग अपने सुख दुख अपने हाल चाल पत्र के द्वारा एक दूसरे के साथ बांटते थे, इसलिए कहते कि जब वो आता था तो लोग उसे अपनी छाती से लगा लेते थे। तो इस तरीके से अमीर खुसरो जी ने हम लोगों को इतनी सारी अच्छी अच्छी पहेलियां दी थी।